हाय फ्रेंड्स, अनीता फ्रॉम एके आर्ट। आज हम फिर से अपने कुछ नई टेक्निक्स आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है मेरे गणपति जो कि स्टोन पाउडर के साथ मैंने बनाए हैं। इसका फ्रेम अलग से मैंने बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा फ्रेम के साथ आप बनाएं ताकि आपको अलग से फ्रेम ना कराना पड़े, वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आप सिर्फ इतना बनाना चाहते हैं गणपति यहाँ तक बॉर्डर का, उसके बाद आप फ्रेम कराना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ये भी पूरा है, इसे हम 3D देते हैं, उसके बाद इस पे स्टोन वर्क और कोन वर्क किया जाता है। जैसा मैंने आपको लास्ट एपिसोड में अपने में एक में दिखाया था, ये राधा कृष्णा और गणपति, इन दोनों को जो मैंने बनाया, इनके कलर्स, मटेरियल, स्टोन्स काफी कुछ सेम है, लेकिन हाँ बनाने की टेक्निक में थोड़ा फर्क है। तो अगर आप एक सीखते हैं तो उसमें जो भी आपस में उनमें जो फर्क है, जो आपको बनाते हुए ध्यान रखना है, वो मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ ताकि एक बनाने के बाद दूसरे भी आप बना लें। उसके बाद ये है मेरा रिलीफ आर्ट जो मानसी ने बनाया है। मैं चाहूंगी इसके लिए मानसी आपको बताए। हाय फ्रेंड्स, ये मैंने सीखा है अनीता मैम से और ना कि अनीता मम्मी से, तो क्योंकि जब वो सिखाते हैं तब वो कोई मदर और डॉटर नहीं होता है, तब वो टीचर है और हम उनके स्टूडेंट हैं। उन्होंने बहुत चीज़ें मुझे सिखाई है। मेरी फर्स्ट पेंटिंग है, तो फर्स्ट टाइम मैंने इसमें कोन वर्क किया था। ये एज अ फर्स्ट टाइमर मेरे को अच्छा लगा, लेकिन इसमें भी काफ़ी कमियां हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने हमेशा इंस्पायर किया कि आप करो, अपनी मेहनत से करो, आप जो कर सकते हो आप वो करके दिखाओ। ऑब्वियसली टीचर होगी, वो हमेशा एक फाइनल टच दे सकती है, लेकिन अनीता मैम ये चीज़ कभी भी नहीं करवाते हैं। वो हर चीज़ आपसे कराते हैं ताकि गलतियाँ भी आपको ही पता हो, और अगर अच्छा भी किया है तो वो चीज़ आपको पता, ताकि जब भी आप कभी उसको कुछ नेक्स्ट बनाना चाहें तो आप उसको ध्यान रख सकें कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है और उसमें क्या करें। क्योंकि मैंने तो कभी भी पेंटिंग नहीं किया था, और सब अब इनकी मम्मी के साथ रह के मैं भी सीख रही हूँ, देख रही हूँ, तो ये डिज़ाइन मुझे पसंद आया था, तो मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया था और मज़ा बहुत आया इसको करने में। और मैं होप करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं इसी तरह का कुछ आर्ट बनाऊँगी तो अपनी गलतियों से सीख के उसको और भी सुंदर बना के दिखाऊंगी। और चलो अब आगे तुम्हें आज मैं आपको आगे का दिखा देती हूँ। ये है मम्मी की एक ऑयल पेंटिंग, फुल फ्लेज्ड ऑयल पेंटिंग है ये। इसमें कोई 3D इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल ऑयल कलर्स के साथ, लेकिन हाँ एक अपने आप में बहुत बड़ा कैनवस है। और ये हमारे घर की एक ब्यूटी है जो हम सबको बहुत पसंद आती है, तो इसको हम कभी इसको देते भी नहीं है इसीलिए। नेक्स्ट हमारा आता है झरोका। ये एक राजस्थानी फॉर्म है, और झरोका बहुत लोग लाइक भी करते हैं क्योंकि इसको आप अपने किसी भी रूम में यूज़ कर सकते हैं, आइदर योर डाइनिंग रूम और योर डाइनिंग रूम, जहाँ भी आपको पसंद आता है। इसमें हमने विंडो का भी एक डिज़ाइन दिया है जिसके अंदर आप मिरर लगा सकते हैं, या अपना फैमिली फ़ोटो या कोई मिनिएचर पेंटिंग भी अगर आप लगाना चाहें तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते। एंड देन आता है ये एक हमारा मिक्स मीडिया में है, जिसमें कलर्स का फ्यूजन है प्लस कुछ मटेरियल्स यूज़ करके 3D इफेक्ट को दिया गया है, और ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग। और ये मिताली ने बनाया था। ये हमारी बड़ी दीदी हैं जो मिताली, उन्होंने बनाया है बिफोर हर मैरिज, पर ये अपना गिफ्ट वो हमको देके गए हैं कि हमेशा उनकी जो याद है हमारे साथ ही रहे यहाँ पर। थैंक यू सो मच। और अब अनीता मैम आपसे बात करेंगी, मैं देती हूँ। अच्छा, वो दिखाते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड्स, मेरे पास जितने भी ऑनलाइन के लिए कॉल्स आते हैं वो पूछते हैं कि मैं ऑनलाइन सिखाती कैसे हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मेरा अभी एक स्टूडेंट है, उन्होंने ये केरला म्यूरल सीखना है, ठीक है। केरला म्यूरल अगर मैंने आपको जितनी भी टेक्निक दिखाई उसमें मेरा अभी नहीं है, वो मेरा सेल हो चुका है, तो जो चीज़ मेरे सामने नहीं है वो मैं स्टूडेंट को कैसे सिखाऊंगी। तो कोई भी ऐसी टेक्निक जो मेरे घर में अभी नहीं है और जो भी पहली बार बन रही है, जैसे अगर आपने पहले देखा था ये श्रीनाथ जी एक मस्कट की स्टूडेंट ने सीखा था, तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम सीखा तो मैं उनके सामने बैठ के ये स्टेप बाय स्टेप बनाती थी, वो सामने बनाती गई, तो वो हम फिर साथ में शूट कर लेते हैं, ताकि अगर कोई सेम डिज़ाइन अगर बनाता है तो मैं वो वीडियो उनके साथ शेयर करती जाती हूँ और थोड़ा थोड़ा पार्ट बनाती भी जाती हूँ, तो इजी हो जाता है। लेकिन जैसे अब ये अभी तक नहीं बना, तो जब मैं इधर बना रही हूँ तो मेरी स्टूडेंट सामने बैठ के ऑनलाइन वो एक स्टेप, जैसे हमने एक ही बनाया है,
तो वो भी सामने बना रही है, नेक्स्ट स्टेप जब वो सामने बैठेंगी तो मैं भी सामने बनाऊंगी, तो इस तरह से होता है। और फिर भी कभी अभी बनाते हुए आप कहीं अटकते हो तो हम उसका वीडियो भी आपको भेजते हैं। इसी तरह जैसे ये आपने देखा था अभी कुछ दिन पहले, मेरी एक मुंबई की स्टूडेंट ने डाला था, ये हमने ऑनलाइन बनाया, तो ये डिज़ाइन अभी तक मेरे घर में नहीं था, तो जब मैं इधर बना रही थी सेम एक एक स्टेप वो बना रहे थे, तो इस तरह हम करते हैं। लेकिन अब जैसे ये मानिए कि ये अब ऑलरेडी बन चुका है, तो ये ऑलरेडी मेरे पास शूट है, अगर जो भी ये दोबारा बना रहा है तो मैं उसको वो एक पार्ट का वीडियो भी भेजती हूँ, लेकिन साथ में छोटा सा डेमो दिखाने के लिए सामने भी करती हूँ और वो वीडियो भी, तो दोनों चीज़ से हेल्प हो जाती है। जैसे एक अभी कहाँ की हूँ, बैंगलोर से, क्या नाम उनका, नम्रता, एक बैंगलोर से नम्रता है जो ये राधा कृष्ण विद फ्रेम बना रही है, ठीक है। उन्होंने मुझे अपना ये डिजाइन भेजा है, ये तो मैंने क्या किया है, जबकि मेरे घर में ये है लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो नहीं बना पाएंगी, तो मैंने सेम ये फ्रेम कटवाया है और एक बोर्ड रेडी किया है, तो सेम वो भी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग इतने ही स्टेप पे पहुंचे हैं कि मैंने भी ट्रेसिंग रेडी कर ली है, उन्होंने भी ट्रेसिंग रेडी कर ली है, हमारा इमल्शन होके बोर्ड रेडी है, जब वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम इससे नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इसी तरह से इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो अभी अब मेरे घर पे नहीं है, जैसे मीनाकारी था और कौन सा था, नाइफ पेंटिंग है, वो सब जो सेल हो गए मैं कोशिश कर रही हूँ बनाऊं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कहीं जगह नहीं है लगाने की, तो आप उनमें से भी कोई भी मेरे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा, वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी कुछ पसंद कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपना ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, तो या जैसे कौन सा, ये क्रैकल इफेक्ट, हाँ। अच्छा, एक आप में से किसी ने मुझे पूछा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि ये जो मैं बना रही हूँ फिर ये क्रैकल जो इफेक्ट है, इसके लिए मैंने वो क्रैकल वाला मीडियम यूज़ किया है, नहीं ज़रूरी नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको टेक्स्चर्स बताए थे, ज़रूरी नहीं है ना, मैं अभी क्रिसमस के लिए हमारी कैंडल्स के लिए आपको एक सेशन ज़रूर दूंगी ताकि आप लोग भी बना पाएँ, तो उसमें ज़रूरी नहीं है। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताती हूँ जिसमें कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप बनाइए, तो उसमें जैसे ये जो है इसमें कोई भी मीडियम यूज़ नहीं किया, उसको बनाने का भी बहुत इजी और आसान तरीका होता है, इसमें आपको कोई बाजार से खरीद के लगाने की चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आज आपको हाथ के हाथ एक कैंडल का और दिखा देती हूँ, अगर आप देख पा रहे हो ये हमारी, वैसे मेरे पेज पे भी मैंने डाला हुआ है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं सारी, तो आप कोई भी जैसे चाहते हो क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे, ये जैसे झरोखा है इसके अंदर हम टी लाइट लगा देते हैं अंदर, बहुत सारी, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत सारा, अगर आप एक बार सीख लेते हो तो आप बहुत कुछ बना पाते हैं। ये सब अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, तो उसमें से वो कैंडल का अलग हो जाता है सब।